देश में कोरोना वायरस के घटते मामलों के बीच कर्नाटक में 66 से ज्यादा स्टूडेंट कोविड पॉजिटिव पाए गए। एक साथ इतने सारे केस सामने आने पर प्रशासन चिंता में पड़ गया है। सभी स्टूडेंट धारवाड़ जिले के SDM मेडिकल कॉलेज में MBBS कर रहे हैं। प्रशासन ने तुरंत एक्शन लेते हुए कॉलेज बिल्डिंग के 2 हॉस्टल सील कर दिए। इस कॉलेज में कुल 400 स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं। संक्रमित स्टूडेंट्स में 40 हाल ही में कॉलेज में आयोजित एक पार्टी में शामिल हुए थे। सभी स्टूडेंट्स ने टीकाकरण की 2 खुराक ली थी और उनमें कोविड-19 के कोई लक्षण नहीं दिख रहे थे। इन सभी को उनके हॉस्टल के कमरों में क्वारंटाइन किया जा रहा है और उन पर नजर रखी जा रही है। जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर यशवंत मदनीकर ने हॉस्टल का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। सभी छात्रों का कोविड टेस्ट किया गया। सरकार पूरे कैंपस को सैनिटाइज करवा रही है और पूरे परिसर को सील कर दिया गया है। सरकार और स्वास्थ्य विभाग लोगों से बार बार अपील कर रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग की अनदेखी ना करें और सार्वजनिक स्थानों पर मास्क का इस्तेमाल अवश्य करें। राज्य में कोरोना वायरस से अब तक 38,185 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना और वैक्सीनेशन से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।